या तो सिस्टम या तो बस आम कोई अगर बातचीत हो या कोई टीम के साथ अगर कोई साथ में बैठा है, ऐसा कभी भी एक बार भी ऐसा क्षण या अवसर ऐसा नहीं हुआ है? जहां पर मुझे नहीं कुछ ऐसा मिला है जो मेरी जिंदगी को अगले स्तर पर लेकर गया है। तो आप यहाँ पर सब लोग जो लोग यहाँ पर इस कॉल पे है, तो बहुत 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 ज्यादा आप खुशकिस्मत हो। ये ग्राउंड रूल सब सेट है तो आगे बढ़ते हैं। स्पीकर के बारे में बात करें तो ये मेरी खुशकिस्मती है। ये मेरे लिए सम्मानजनक बात है कि अगर मैं अपनी माँ के बाद अगर किसी के बारे में अगर बहुत ज्यादा आदर से बात करता हूँ, तो ये बस ये शख्स है जिन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव लाया है। मैं अगर अपने कॉर्पोरेट बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ, तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर बात करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस या तो शिक्षा से लेकर कुछ चीजें हैं, तो वो ये सारी चीजें उनको चकाचौंध करती है। पर जब मैं इनसे मिला तब मुझे ऐसा लगा था कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इतने सारे पदवी मिली है अपने शिक्षण में। शुरुआत करते हैं, मतलब वो एक IITian है, वो CFA है, FRM है, ये सारी एक इंसान में है। मैंने यही सोचा था कि इनको बिजनेस करने की जरूरत क्या है, इतनी सारी चीजें हैं। बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी लेकर आते हैं इंडस्ट्री में। एक दशक का भी ज्यादा उनके पास अनुभव है कॉर्पोरेट का। पारिवारिक बिजनेस परिवार से ये एक बिलोंग करते हैं, पर लेकिन वहां से लेके वो एक सेल्फ मेड मैन थे, जहां पर उन्होंने तय किया था कि सब कुछ वो खुद बनाएंगे, शुरुआत करेंगे। शुरुआत की थी उन्होंने 6,000 की सैलरी से। 10 साल में वो मॉर्गन स्टैनली में बहुत बड़े एक पदवी पर पहुंचे थे, जहां पर बहुत सारा पोर्टफोलियो उन्होंने हैंडल किया है। और ये चीजें उन्होंने की थी अपने नौकरी में, ये उन्होंने डुप्लीकेट करा अपने बिजनेस सफर में भी। 9 साल से शुरुआत की है। एक साल के बाद बिजनेस चालू करने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मॉर्गन स्टैनली से, और इतने सीनियर लेवल जहां पर वो काम कर रहे थे, आसान नहीं है ऐसी पगार, ऐसे सैलरी को लेना। पर उन्होंने एक साल में ही फायर कर दिया था अपने बॉस को, और तब से लेके वो आसानी से, मतलब आराम से सांस ले रहे हैं। ऐसा कोई माइलस्टोन नहीं है बिजनेस में जो उन्होंने हासिल नहीं करा हो। मैं अगर बस एक साधारण सी अगर कोई बात करूं, तो मैं यही कहूंगा कि फिर बाद में अगर आप पृथ्वी के किसी भी जगह पर अगर घुमाकर अगर अपनी उंगली वहां पर रखेंगे, तो फिर बाद में उनकी पूरी कोई ना कोई तो उनका टीम वहीं पर होगा। तो इस तरीके की सफलता उन्होंने प्राप्त की है, हासिल की है। वो हमेशा कहते हैं कि जितना जितना
जितनी सफलता आप प्राप्त करते हो, हासिल करते हो, वो जहां पर आप पहुंचते हो ये प्रमाण नहीं होता, पर प्रमाण ये होता है कि कितने लोगों को आप अपने साथ पर लेकर आए हो सफलता की उस शिखर पर। आप अगर मुझे पूछो तो हर मुमकिन माइलस्टोन उन्होंने हासिल की है और उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में भी मदद की है हासिल करने के लिए। वो खुद डायमंड स्टार है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को डायमंड स्टार बनने के लिए मदद की है, जर्मन गाड़ियां खरीदी है, आज तो बस मतलब गिनती भी बंद कर दी है जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी है जर्मन। खुद मैक्स आउट हुए और बहुत सारे लोगों को उन्होंने मदद भी की है मैक्स आउट होने के लिए। सफायर स्टार की तो गिनती बंद हो चुकी है। अगर आप उनकी टीम का एक हिस्सा हो तो फिर बाकी ये सारी चीजें तो होती रहेगी। मैं अगर सफलता के बारे में बात करूं तो फिर बाद में हम वक्त बिता रहे थे दुबई में, तो वहां पर एक सेल्स बंदा आया था वहां पर, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है जैसे हम लोग सब्जी तरकारी खरीदते हैं उस तरीके से उन्होंने 12 एक डजन अपार्टमेंट्स खरीदे थे। इतनी सारी प्रॉपर्टीज उनके पास, एक बड़ा सा बंगला है उनका, और ऐसे बहुत 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 सारे ऐसे माइलस्टोन्स हैं जिसके बारे में बात करते जा सकता हूं। पर ये वो खुद अकेले नहीं करते रहते हैं, आज ऐसा दौर चल रहा है कि बहुत सारे मतलब हर हफ्ते एक कोई ना कोई तो एक जर्मन गाड़ी आ रही है। 10 या 15 लेवल स्तर नीचे तक लोग वहां पर जर्मन गाड़ियां खरीद रहे हैं, तीन चार पांच लेवल नीचे तक लोग प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, रोलेक्स, हुबलोस, मतलब गिनती भूल चुके हैं ये सारी चीजें। इस तरीके की सफलता हासिल की है उन्होंने। वो ऐसे एक शख्स है जिनको मैंने हमेशा एक बहुत ही एक ज्यादा आक्रामक वृत्ति के एक इंसान है, वो एक के बाद एक बेंचमार्क सेट करते जाते हैं, उसे हासिल करते हैं। एलीट क्लब वगैरह हासिल की है, अचीवर्स क्लब का वो एक हिस्सा है, पर जब कभी भी एक ऐसा ड्राइव होता है वो हमेशा हमें कहते रहते हैं। और वो हमेशा ये इंश्योर करता है कि वो सबसे पहले क्वालिफाई करेंगे, इस तरीके से वो काम करते हैं। मेरा खुद का अनुभव अगर मैं बताऊं, वैयक्तिक अनुभव अगर मैं बताऊं तो फिर बताते मैंने बहुत सारी चीजें उनसे बहुत सारी चीजें सीखी है। बहुत सारे अनपैरेलल्ड आचार विचार मैंने उनसे सीखे हैं। सुबह 5 बजे उठकर फ्लाइट लेकर 8 बजे पहुंचना और फिर बदने 9 बजे कहीं पहुंचना, फिर उसके बाद प्लान, फिर और फिर बदने दिन खत्म करते करते फिर बाद में इनफॉर्मल टाइम लेना और फिर बाद सिस्टम लेना और फिर बाद एक दिन हर दिन के बाद वो करते रहते थे। मतलब एक तो मैं कभी कभार उनको कहता था कि भाई आप थोड़ा सा आराम कर लो। मैंने उनसे समर्पण सीखा है। और ये उनके बढ़ते दिनों पर नहीं, पर आज भी वो जब भी वो बी एम्बेसडर की स्तर पर पहुंचे हैं वो अभी भी वो सारी चीजें सुनते रहते हैं जो अपलाइन से आती रहती है, हर वो आवाज वो सुनते रहते हैं। जो मैंने उनसे सीखा है कि टीम को कैसे संभालना है, उनके लिए उनका टीम सबसे पहले किसी भी चीज से पहले आता है। शुरुआती के दिनों में वो कहते थे कि किसी भी टीम मेंबर से ये कहते थे कि मैं महत्वपूर्ण हूं,
मेरे मेरा परिवार, मैं खुद कोई महत्व नहीं रखता, आप और आपके सपने बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, और मैंने उनको देखा है इस के प्रति जीते हुए। मैंने 9 साल से मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ, मेरे वर्किंग अपलाइन है पिछले 6 साल से, और मैंने उनको हर रोज ये चीज के प्रति जीते हुए देखा है, इस चीज को। मेरे बारे में अगर पूछे तो फिर मैं तो बस एक मूर्ख था एक जमाने में, अगर आप कह सकते हो तो, फिर बातें, बहुत ज्यादा स्टबर्न था। अगर मैं एक अच्छा बाप हूँ, अगर एक अच्छा पिता हूँ, अगर एक अच्छा बेटा हूँ, अच्छा पति हूँ, अच्छा भाई हूँ, तो ये सारी चीजें ये इन्हीं के बदौलत है। अगर मैं अच्छा डाउनलाइन अपलाइन जो कुछ भी मेरे जिंदगी का कोई भी अगर एक भाग कोई वर्ग, तो ये सारी चीजें इन्हीं के बदौलत है। अगर मैं कहूं कि उनके पैर धुल धोकर अगर मैं पी लूं, तो ये मैं कर सकता हूं, मतलब ये मैं हमेशा करूंगा। तो मैं उनका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उठकर खड़ा रहे, मेरे मेंटोर, मेरे भाई, मेरे लाइफलाइन, मेरे गुरु, री काउंसिल, डायमंड स्टार, ऋषि आमेद सोनी, दोस्तों तालियों से स्वागत करिए। शुक्रिया आईवी, शुक्रिया भरत, शुक्रिया इन सर्विस, शुक्रिया ट्रांसलेटर्स। उम्मीद करता हूं कि मेरा स्पीड अच्छा रहेगा, ताकि ट्रांसलेशन सही तरह से, जो मुझे फीडबैक मिलता है। ये सबसे बढ़िया दिन होता है इतवार का, क्योंकि हम लोग मिलते हैं सब लोगों को, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, सुन सकते हैं, और आज ये जिम्मेदारी मुझ पर है कि मैं बात करूं, तो बात करते हैं। जब कभी भी आप सिस्टम अटेंड करते हो, कोई ट्रेनिंग आप प्रशिक्षण आप अटेंड करते हो, जो स्पीकर बात करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उसमें से जो आप ले लेते हो और फिर बातें आप अपने आप से जो बात करते रहते हो, इसी से बदलाव आता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, किसी भी ट्रेनिंग की ट्रेनिंग का कोई ऑब्जेक्टिव हो या वीसेल हो या सिस्टम हो या कैंप हो, जो उद्देश्य होता है वो यही है कि आप उसमें से क्या लेते हो। तो लोग आते हैं, कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा चका प्रभावित होते हैं, उद्देश्य ये नहीं होता। मान लीजिए महाभारत की युद्ध के वक्त भगवद गीता के तहत श्री कृष्णा जवाब दे रहे थे अर्जुन को, और अर्जुन उतर के फिर बाद में सब सब जगह पे जाकर फिर बाद में चल सबसे अगर वो पूछे तो फिर बाद में कहते कि अरे क्या बढ़िया, इनके पास तो सब सवालों के जवाब है, क्या इंसान है, बहुत बढ़िया है, क्या बढ़िया शख्स है। भगवद गीता का उद्देश्य ये नहीं था कि उनको ये सारे प्रभावित हो, पर उनको अपने सारे सवालों के जवाब मिले। अर्जुना के अलावा वहां पर संजय और धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे जो श्री कृष्णा बात कर रहे थे लाइव, जब भी श्री कृष्णा बात कर रहे थे। आप देख रहे हो कि किस तरह से इम्पैक्ट अलग अलग था। जो प्रभाव था अलग ही था। तो वो ही कह रहे थे कि फिर बाद में वो एक दूसरे को उकसा रहे एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए, ये धृतराष्ट्र की सोच थी। तो जो स्पीकर बात करता है वो नहीं है, पर जो आप लेते हो वहां से ये बदलाव है।
तो हम लोग बात करते हैं। जो एक दिन के शायद कल ही किसी ने शुरुआत की हो, कोई एक हफ्ते पहले हो, जिन जो आके सुन रहे हैं यहाँ पर, तो जो लोग एक साल तक है इस सफर में, ये लोग वो है जो अगर मुझे पूछे तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमने अपने अपलाइंस से सुना है, वीपी सचिन, वीपी कविता, वीसी गौतम, राकेश भाई, कि जब भी आपके पास कोई एक डाउनलाइन हो तो फिर बात है, ये आपके बारे में नहीं होता, तो फिर आपके डाउनलाइन के बारे में होता है, जो आखिरी इंसान है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एक टेक्निकल साइनअप होता है और एक मेंटल साइनअप होता है। टेक्निकल जहां पर आप अपना कार्ड स्वाइप करते हो, आप आरटीजीएस करते हो, आप अपने ई कार्ड्स मिलते हैं, आप यूवीस काउंटर पे डालते हैं, आप प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर बाद में एक कस्टमर बन जाते हो आप। टेक्निकल साइनअप से आप बस एक कस्टमर बन जाते हो। मेंटल साइनअप तो तभी होता है कभी, तो बाद में, या तो वन ऑन वन डिस्कशन होता है वेलकम के बारे में, वेलकम के वक्त, या तो जिगजैग के बारे में, या तो सिस्टम्स के वक्त, या तो किसी इवेंट में जहां पर एक इंसान तय करता है कि बस उसको ये करना है करके, ये सही, मतलब कि ये वो चीज है जिस जो मैं करना चाहता हूं। और ये जो अंतर है टेक्निकल और मेंटल साइनअप के बीच में, शायद एक दिन का, या तो एक साल का, या तो 4 साल का हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये शायद आपके लिए इतना अंतर ना रहे। मेरे अपलाइन सोमवार को मैंने साइन अप करा था टेक्निकल, और बुधवार को मेरा, और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था करके, और मुझे एक ही बात पता है कि फिर मैं बहुत प्यार करता हूं इस इंसान से, और जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो मुझे करना है करके, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मेंटल साइन अप होने के बाद ये बहुत ही बढ़िया एक जीत है आपके लिए, जिन्होंने अगर साइन अप करा है और आप मेंटली साइन अप हो, तो फिर बाद में बहुत बढ़िया है, ये अच्छी जीत है आपके लिए। कुछ लोग किताबें पढ़ने के बाद, डीवीडीज देखने के बाद मेंटली साइन अप होता है, क्योंकि अलग अलग चीजें हो सकती है। जिन लोगों के साथ आप बिजनेस कर रहे हो उनके साथ अगर आप बहुत ज्यादा वक्त बिताओगे तभी ये मेंटल साइन अप हो सकता है। अब जिस तरीके के लोगों से आप वक्त बिताते हो इसी से तय होता है कि आपका मेंटल साइन अप कैसे होगा। आप देखिए किस तरीके के लोगों के साथ आप बात करते हो, किस तरीके के लोग आपके ऊपर प्रभाव करते हैं, किस तरीके की किताबें आप पढ़ते हो, क्या आप टीवी पे क्या देखते हो करके, या क्या वीडियोस आप देखते हो। कुछ हद तक जिस तरीके का खाना आप खाते हो, ये सारी चीजें बनती है जिस तरीके के इंसान आप हो। और आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। अगर आप 5 बुद्धिमान लोगों के साथ आप रहोगे तो फिर बाद में आप छठे बन सकते हो, या तो अगर आप 5 मूर्ख लोगों के साथ करो तो आप छठवे हो सकते हो, आप गरीब लोगों के साथ करो तब गरीब, और अगर आप 3% लोगों के साथ अगर आप वक्त बिता रहे तो आप छठवे छठे जरूर हो सकते हो। तो जिस तरीके के लोगों से आपका संबंध पड़ता है वो बहुत महत्व पड़ता है। तो जिन लोगों का अभी तक मेंटल मानसिक तरीके से साइन अप नहीं हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वक्त लगेगा, अंतर तो रहेगा। जिन लोगों ने पहले शुरुआत की थी वो लोग अच्छे संगठन में थे, अच्छे एसोसिएशन में थे। कुछ लोगों को 6 महीने लगे थे मानसिक साइन अप होने के लिए, मानसिक तरह से।
और इसीलिए बहुत सारे लोग अपलाइंस कॉल करते कि कल सुबह सिस्टम है, वक्त पर जल्द उठिए। अगर एक रात पहले आकर मैं आपको लोरी सुना सकता हूँ और आप सो सकते हो, और फिर बाद में उठ के आप आराम से सिस्टम अटेंड कर सकते हो। और इसीलिए वो लोग आपके अपलाइंस आपको सिस्टम के लिए आपको पुश करते रहते हैं, आईआईपी के लिए पुश करते रहते। तो अभी बहुत जल्द वक्त है कि हम लोग फिजिकल एसोसिएशन पे आ सकता है। जो लोग मानसिक तरीके से साइनअप होते हैं, वो लोग को लगता है कि अभी मुझे अच्छी तरह से और समझना है। आपकी जो भूख है सीखने के लिए वो हमेशा ज्यादा रहने चाहिए, कमाने के लिए जो भूख होती है उससे ज्यादा। आप एक भिखारी को पूछो या पान वाला को पूछो, सबको ज्यादा पैसे इच्छा होती है, पर सीखने की इच्छा आपके कमाने की इच्छा से ज्यादा है या भूख से ज्यादा है? तो मेरे दादाजी कहते थे, आप देवी सरस्वती का पूजा करोगे तो फिर देवी लक्ष्मी जरूर आएगी, आप अगर शिक्षा को अगर पूजा करोगे तो फिर बाद में धन जरूर आएगा आपके पास। ये बहुत आसान सी चीज है कि आज क्या चीज वो नहीं है जो मैंने सीखी है। सीखना मतलब मेरे लिए कुछ भी हो सकता है। बिजनेस हो सकता है, सेहत हो सकती है, रिश्ते हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, टीम के बारे में हो सकता है, टीम के किसी शख्स के बारे में हो सकता है, कुछ भी नई सीख हो सकती है। अगर मैं नया सीखते रहूं और ये मैं मानता हूं बी पार्टनर का बेटा, और वो पैसा, प्रॉस्पेरिटी, फेम, सक्सेस, सफलता आपके अपलाइंस नहीं देते आपको, क्यूनेट नहीं देता आपको, आपके माता पिता नहीं देते, ये बस वो ऊपर वाले के हाथ में है। ये और ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वही है जो वो आपको ये दे सकते हैं। और ये उनका एक अलग ही तरीका है सारी चीजों को अकाउंटिंग करना, कि किस तरीके से कितने लोगों को क्या देना है। और उनको दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जिस तरीके से जिस इंटेंसिटी से आप काम कर रहे हो कि नहीं करके, वो हमेशा देखते रहते। आपको हमेशा अपनी मेहनत की कमाई मिलेगी, शायद तुरंत नहीं मिलेगा लेकिन अंत में तो जरूर मिलेगा आपको। एक दिलचस्प कहानी है जो बहुत लोगों को नहीं पता। ये बहुत सारे चीजें कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारी चीजें हो रही है, ये इसे प्रमोट नहीं करूंगा। कुछ लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं, मैं नहीं रेकमेंड करूंगा। इसमें बहुत ज्यादा चीजें, बिटकॉइन, माइक विंकल थे जिसके कहानी मैंने पढ़ी, ये यूएस में है, रहते हैं, उनको आर्टिस्ट बनना था, उनको पेंटिंग करना था जब वो बढ़ रहे थे। तो उनके पास, उन्होंने निर्णय लिया था कि उनकी नौकरी है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ तो करने की इच्छा थी। उन्होंने अपने अंकल का एक ड्राइंग बनाया था, चित्रकारी की थी पहले अपने अंकल की। तो उन्होंने यही तय किया था कि हर रोज मैं कुछ ना कुछ तो चित्र निकालूंगा। तो पहले कुछ जो चित्रकारी उन्होंने की थी, वो आप अभी भी जाके ऑनलाइन पढ़ सकते हो, तो वो बहुत ही उतने कुछ खास नहीं थे।
अब पेन उठा के बस सिर्फ कुछ ड्रॉ करने के लिए शुरुआत करते हो, पर उन्होंने यही निर्णय लिया था कि मैं रोज चित्रकारी करूंगा। 100 दिनों में उनकी कलाकारी इतनी अच्छी हो गई कि लोग प्रशंसा करने लगे। 365 दिनों के बाद उनको पता चलने लगा कि किस तरीके से डिजिटल आर्ट और 3D आर्ट कैसे बनाए। फिर 1 साल के बाद तो उनका बहुत ही उनका सरल मंत्र यही था कि उनको रोजाना कुछ ना तो कुछ तो एक चित्र बनाना था। 2 साल के बाद उनकी उनकी डिजिटल आर्ट थोड़ी और ज्यादा दिलचस्प होने लगी। कला और चित्रकारी में ज्यादा पैसे नहीं होते, ये सभी को पता है। MF हुसैन जैसे इंसान लाखों में एक हो सकते हैं। उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक बड़े चित्रकार बनो और लोग आपके बारे में कुछ बात करें। तो उन्होंने कहा कि बस भाड़ में जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करते रहूंगा। पांच हजार दिन तक वो एक ड्राइंग, उनको कुछ पता नहीं था कि यहां पर पैसे बनेंगे। उनको इतना ही पता था कि ये दिलचस्प है और वो करते रहेंगे। पांच हजार दिनों के बाद वो कहे कि NFT अगर सरल भाषा में अगर कहे तो कि माइकल एंजेलो और पिकासो कुछ चित्रकारी कर रहे हैं और ये उसके डुप्लीकेट है। उन्होंने ये सारे 5,000 पेंटिंग, ये डिजिटल कला है, और फिर उन्होंने ऑप्शन पे डाल। तो उन्होंने कहा कि क्रिस्टीज उन्होंने नीलामी के लिए डाल दी। और तभी तक ऐसे कभी नहीं हुआ था कि 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा बेची गई थी, नीलामी हुई थी। 69 मिलियन डॉलर मेरे मेरे भारत के देश दोस्तों को अगर मैं बताऊं इसे तो 5,000 करोड़। उनका सोशल मीडिया का नाम बीपल है, वो अगले माइकल एंजो और पिकासो है। और किसने खरीदा? एक भारतीय ने खरीदा। हम लोग उतने ज्यादा बड़े कलाकारी के प्रशंसक नहीं है, पर एक इस नीलामी में 69 मिलियन डॉलर में एक भारतीय ने खरीदा था। ये उन्होंने खरीद उन्होंने वो 5,000 दिन की उस कमिटमेंट के लिए खरीदा था, उसके पीछे की कहानी के लिए खरीदा था, उसके उससे भी बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कलाकारी उन्होंने उनको पता थी है करके। कि इसका मतलब यही है कि अगर आप रोज अगर दिन रात अगर कुछ आप करते रहो तो आपको पता नहीं कि कौन देखता रहेगा, आपको पता भी नहीं है फिर बाद में ये इसमें क्या निकलेगा या किस तरीके से आपकी जिंदगी में प्रभाव होगा, कि क्या फर्क पड़ेगा आपको कैसे। किसी ने तो यही कहा होगा कि आप क्या कह रहे हो, या आप अपने करियर पे फोकस करो। ये 5,000 दिनों में उन्होंने उनके उनका बच्चा भी पैदा हुआ था, बट फिर उस दिन भी उन्होंने पेंट चित्रकारी की थी। वो एक दिन भी उन्होंने वो चूके नहीं थे। और ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। आप बहुत सारा पैसा कमाते हो, धन करते हो, बस
जो ही नहीं, आज मैंने इनवाइट करा था, पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, दो महीने मैंने संगठन में मैं प्रवेश किया हो, जैसे कि आप भगवान हो, आप रोजाना रोजाना दिन रात आप एक चीज करते रहते हो। और मतलब अगर सोचे, बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है कि अगर सिर्फ रोजाना 5,000 दिनों तक एक चित्रकार बनाते रहो, तो मतलब बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि ये तो करियर भी नहीं है, अपने परिवार का ख्याल रखो। ये जुनून था, जुनून भी नहीं था, और किसको भी पता नहीं था कि ये इतने और अंत में उन्होंने वो सारे पैसे दान भी कर दिए। आपको किसी भी तरीके की सफलता, प्रसिद्धि, पैसा, मेहनत आपको करनी है, नतीजे वो देंगे। बात ये है, मुद्दा ये है, तो रोजाना आप क्या मेहनत डाल रहे हो दिन रात। मेरे पहले साल में मुझे समझ में नहीं आता, पूरी इस बिजनेस की पूरी क्षमता मुझे समझ में नहीं आई थी, और जैसा आज मुझे देख रहा है, या 2 साल के बाद जो मैंने देखा था, मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ अपने अपलाइंस को सुनता था और उनके लक्ष्य में विश्वास रखता था कि कुछ तो बहुत बढ़िया लग रहा है और हम लोग चलो मिलकर काम करते हैं। मेरी अपलाइंस बहुत ही बढ़िया लोग थे जिनके साथ मैं वक्त बिताता था, वो लोग हर चीज में बहुत बढ़िया थे, और अगर कुछ नहीं तो मैं मुझे अच्छे लोगों के साथ बैठने का मौका तो मिलेगा। और फिर बाद में धीरे धीरे सब चीजें होने लगी, पैसे आने लगा। ये वन वे स्ट्रीट नहीं है, उतार चढ़ाव ऊपर नीचे तो होता ही रहता, पर मुझे पता था कि अगर मैं इन लोगों के साथ में अगर मैं वक्त बिताऊं तो उनकी तरह ही हो सकता हूं। तो आप एक दिन में भी हो इस सफर में, तो या आपने 4-5 लोगों के साथ वक्त बिताते रहिए, ऐसे लोगों के पास जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, आप अंत में कभी ना कभी तो वहां पर जरूर पहुंचोगे। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो होना ही है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी एसोसिएशन हर वक्त, मतलब दिन रात, कभी भी सुबह, कभी भी जब भी आपको वक्त मिले, ये कुछ भी हो सकता है। आप मुंबई लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते होगे और उस वक्त आप कुछ वीडियो सुन रहे हो या किताब पढ़ रहे हो या तो कुछ सुन रहे हो, कितना ज्यादा वक्त आप बिता रहे हो, कितना ज्यादा आप बिजनेस में वक्त बिता रहे हो, कितना ज्यादा आप इस बिजनेस के बारे में सोच रहे हो। और ये अगर आप करते रहो, रिलीजियसली करते रहो, लगातार करते रहो, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। इन्फो, इनवाइट, प्लान्स, क्लोजिंग्स, हॉट जोन्स, ये सारी चीजें अपने आप होती रहेंगी। सब चीजें बेहतर होगी ऐसा नहीं है, पर लेकिन वो अपने आप वो चीजें होती रहेंगी। कुछ लोगों को कुछ लोग आएंगे काम करेंगे आपके साथ, कुछ लोगों को शायद काम करने के लिए इच्छा नहीं होगी, पर आप जरूर बदलोगे और आप बढ़ते रहोगे, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो 3 महीने 6 महीने के लोग हैं, और आप लोगों के लिए एसोसिएशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है, जो बाकी बाहर के लोग है, जिनको बिजनेस के बारे में कुछ चीजें पता ही नहीं है, कि अगर कोई आज मुझे आकर कहे कि ये बिजनेस काम नहीं करता, तो मैं तो हंस पड़ूंगा उसके ऊपर, तो ये मुमकिन ही नहीं है, तो ये कभी भी वो मुझ पर प्रभाव डाल सके। पर ये अगर आपको अगर आकर कहे, तो फिर उनके अपने अपने तरीके हैं आपको प्रभावित करने के लिए। अच्छे लोग है ये तो बुरे लोग है, आपको नहीं पता कि कौन आपके लिए सही है गलत है, तो मतलब चाचा चाची जो भी है,
30 करोड़ से लेके 130 करोड़ तक हम लोग इतनी जल्दी हम लोग पहुंचे, ये कभी नहीं हुआ है। ये कभी नहीं होगा, ये एक दिन सब चीज रुकेंगे तब आप मेरे पास आओगे। तभी मैं उनको यही पूछता हूं कि आपके पास अभी और इससे ज्यादा बेहतर और कुछ चीज है जो मुझे करोड़पति बना सकता है? तो फिर यही कहूंगा कि बस अपना मुंह बंद रखिए और निकल जाइए यहां से, बकवास ना करें। तो अगर आप मुझे मदद कर सकते हो करोड़पति बनने के लिए, और अगर कोई लोग हैं यहाँ पर जो ट्रेंड है जो मुझे करोड़पति बना सकते हैं, तो रहने दीजिए, उनको मदद करने दीजिए। और आपके पास कोई बेहतर चीज नहीं है बात करने के लिए? आपके पास कोई राय है सिर्फ? मेरे पास भी आपके पास आपके बारे में बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए जो, तो आपको पता है कि आप ये सारी आंटीज आपके पीठ पीछे क्या बात करती है, आपकी बीवी भी आपके पीठ पीछे क्या बात करती है, ये अगर आपको पता हो तो आप कभी नहीं आके और मेरे से बात करोगे। तो बंद कीजिए, तो बस कीजिए, मुझे मतलब सलाह देने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप सेंसिबल हो, आपको पता चले कि किसको सुनना है कि किसको नहीं सुनना है, मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास उतनी अकल थी। मैं कोशिश करता था अपने अपलाइन को पालन करना, फॉलो करना। 100% तो कभी नहीं बोल सकता हूं, 90-95-98% तक मैं फॉलो करना था। तो अपने अपलाइंस के साथ रहिए, एसोसिएशन में रहिए। तो अपने पहले साल में हम लोग हमेशा अपनी माँ के साथ रहते हैं, या कोई भी जो हम लोग का ख्याल रखते हैं। पर आप जब भी 10 साल के होते हैं तो अभी आपकी हर एक जरूरत के ऊपर कोई ध्यान नहीं रखता ना, कुछ चीजें आप खुद कर लेते हो। तो इस सफर में ये वक्त बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दूसरे वर्ग के लोग होते हैं, आपने वक्त बिताया है और आपके पास कुछ सफलता मिली है, आपने कुछ पैसे कमाए हैं, तो वो कुछ मतलब 1 करोड़ हो सकता है, या कुछ लोगों ने 10 लाख भी कमाए हैं। जो जो पैसा कमाया है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जितना आपने मेहनत करा है, जितना आपने अनुभव लिया है, ये महत्वपूर्ण है। एक चीज ध्यान में रखिए कि हर एक चीज वो देख रहा है। कुछ चीजें आपको तुरंत नहीं मिलेगी, पर अब धीरे धीरे जरूर मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने एक साल में बहुत सारे पैसे कमाए हैं, 1-1.5-2 करोड़। $200,000 या $300,000 अगर मैं बात करूं, पर धीरे धीरे फिर बात नहीं, वो लोग फिजल आउट हो गए, या तो वो लोग सुखी हो गए। कुछ लोग हैं जिन्होंने एक साल में कुछ भी नहीं कमाया होगा, उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा घिसाई है, बहुत मेहनत करी है, और उसके बाद धीरे धीरे से उन्होंने बहुत ज्यादा धन कमाया है। तो ये कंपटीशन है, तो कोई रेस नहीं है यहाँ पर, जो ऑफिस के प्रमोशन के लिए आप कोई दौड़ लगी है, कोई प्रतियोगिता नहीं है। तो मेंटल साइनअप जब भी होता है तभी आप बहुत ही मासूमियत से आप काम करते हो, पर कुछ वक्त के बाद आपको लगता है कि मुझे पता है अभी क्या करना है करके, और तभी आप के बुरे दिन की शुरुआत होती है। जिस वक्त आपको पता चलता है कि अभी मुझे पता है कि क्या करना है, कैसे साइन अप करना है, कैसे वेलकम करना है, ये फरांडिम का और मेरे पास टीम है, ये वो सब जो कुछ भी है, 40-50-100-150, जिस दिन आप वहां पर उस स्तर पर पहुंच जाते हो कि मुझे अभी क्या करना है करके,
और ये जब भी आपके अहंकार को बढ़ावा देता है तभी आपके बुरे दिन के बुरे वक्त की शुरुआत होती है। तो वो जो भूख है सीखने की वो कम होने लगती है फिर बाद में, और जब भी वो कम होने लगता है पर कमाने के लिए वो जो भूख है वो शायद हो पर वो गायब हो जाती है। और ये मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो ये W की तरह है, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। सारे लोगों को मतलब या 1 साल या 2 साल जो कुछ भी है, आप अभी भी सीकिंग मोड में हो या आप सीखने के लिए तैयार हो, या तो फिल कप हो गए हो या ड्रम हो गए हो या तो नदी या तो सागर, क्या बने हो आप, ये आपको सोचना जरूरी है। और आपका पतन तभी रुक सकता है जब आप सोच सकते हो कि बस मेरे को मुझे सीखना है। तो आपको यही देखना है कि आप सीखने के उस क्षेत्र में हो क्या, अभी भी सीख रहे हो, रोजाना सीख रहे हो, बढ़ रहे हो एक इंसान की तरह। आपकी CPA बढ़ती रहेगी बैंक अकाउंट में, पर क्या आपने क्या नया सीखा है, क्या आप बेहतर बन रहे हो, आप एक बेहतर डाउनलाइन हो, बेहतर अपलाइन हो, क्या हो अब? और अगर अगर ये चीज अगर आपको आगे नहीं बढ़ाएगी तो फिर कहीं ना कहीं तो आप अटक जाओगे। तो आप सोचोगे कि मैं सारी चीजें कर रहा हूं जो मैं 1 साल पहले कर रहा था, तो आपकी मानसिकता बदल गई है क्योंकि अभी आप सीख नहीं रहे हो। आप अभी मांग नहीं रहे हो कुछ तो नए सीखने के लिए। ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे वक्त होता है कि आपके दिमाग में सवाल होते हैं या तो कुछ कुछ संदेह होता है, और ये सारी चीजों के लिए आप अपने अपलाइन के पास जाते हो, बट जाने के पहले ही आपको पता होता है कि उसकी जवाब क्या है करके, और आप अपने आप ही सब करने लगते हो। और अगर आपको सब सवालों के जवाब पता होते तो आप भगवान होते, आप ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते आप। तो रोजाना जब भी आप उठते हो ना, अपने आप को आईने में देखिए और कहिए मैंने जब भी थोड़ा सा सीखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है करके, बट जब मैंने बहुत कुछ सीखा है तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है करके। ऐसे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, और हर एक जो लोग 1 साल है इस सफर में, और अगर आप कहीं अटके हो या तो चेक्स में या तो रैंक में, तो अपने आप से पूछिए कि क्या नया सीख रहे हो आप। और अपने भूतकाल में जाकर झांकना बंद कर दीजिए कि तभी मैं क्या कर रहा था जिसकी वजह से मैं ये कर रहा हूं और अभी मैं क्या कर रहा हूं। तो हमेशा याद रखिए तो आपकी जो सीखने की जो भूख है वो हमेशा ज्यादा रहनी चाहिए जो आपकी कमाने की जो भूख है, जब तक आप आखिरी सांस तक नहीं रहते। और तभी वो अलाइनमेंट सब खत्म हो जाता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मुझे पता है ना क्या करना है करके, तो मैं आपको तकलीफ क्यों दूं करके। तो मैं कहता हूं कि भैया तुमको नहीं पता है क्या करना है करके, तो अब मैं अगर आपके पास आता हूं तो आप क्या जवाब दोगे। तो ये वो समाधान नहीं है जो आपके अपलाइन आपको देते हैं, पर जो मानसिकता है जिस जोन में आप हो ये फर्क पड़ता। तो अपलाइन की बताओ, हम लोग भी कभी कभार आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम लोग ने ये समाधान कैसे दिया इस समस्या का करके उस वक्त, पर वो सही जोन में थे, उनको चाहिए था कि आपके प्रति वो सारी चीजें उनको सीख दे। तो बहुत बार ऐसे होता है जब भी मैं डाउनलाइंस को काउंसिल करते रहता हूँ
तो मैं सोचता हूँ कि आज मैंने ये क्यों कहा उनको। तो मैं मुझे लगता है कि मैंने ये क्यों कहा उनको, ये हो जाता है बस। और वो शख्स अगर उसे गंभीरता से ले लेते तो वो सारी चीजें हो जाती है। तो वो कहते हैं कि 2015 16 17 में आपने कुछ कहा था, तो आपने कुछ तो कहा था जिसकी वजह से मैं बदल गया। तो मैं सोचने लगता हूँ कि क्या वाकई में मैंने कुछ कहा था, मुझे नहीं पता। फर्क ये पड़ता है कि आप किसी जोन में हो, आप कैसे जोन में हो, आप मांगने के जोन में हो, आपको आदर है अपने अपलायंस के बारे में, आप सीखने के जोन में हो। क्या आप अपने अपलायंस के फोन कॉल इग्नोर कर रहे हो? अनदेखा कर देते हो, आप दोबारा कॉल बैक नहीं करते। और ये सारी चीजें हैं जो ये इंडिकेटर है। जब भी हमारे पास कुछ तकलीफ होती है तभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एनालाइज करते हैं, डायग्नोस करते हैं और फिर बाद में हमें कुछ दवाइयां देते हैं। फिर तो ये कुछ बीमारियां हैं जो आपके बिजनेस में डेवलप हो रही है, क्योंकि उसके साथ आपका अहंकार भी बढ़ता है। तो हमेशा याद रखिए, तो हमेशा मासूम रहिए, सीखने के जोन में रहिए। तो मैं राकेश भाई को हमेशा कहता हूँ, वो एक ग्रोन अप किड है, एक बच्चे हैं, एक बहुत ही खुश पिता है, पर वो जो बच्चा है उनके अंदर का, वो अंदर से बहुत ही एक मासूम बच्चे हैं अभी भी। हम लोग जब भी उनके साथ रहते तो अभी हम लोग हमेशा आश्चर्य हो जाते हैं। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो अभी भी उतना बचपना है उनमें, वो जो मासूमियत है, वो जो सीखने की वो जो वृत्ति है वो अभी भी है। तो वो आपको चेक करना जरूरी है। फिर ऐसे लोग हैं जो लोग 4 साल 5 साल पुराने लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा कमाया है और कुछ लोग अभी भी तकलीफ में है, या कुछ कमाया है और नहीं अभी तकलीफ में है, जो कुछ भी है। तो उनको सब कुछ पता है जो करना है, पांच साल के ऊपर के लोगों को स्किल्स और मैकेनिक्स आपको सबको पता है, पर सिर्फ आपकी जिम्मेदारी और आपकी स्टेट ऑफ जिस तरीके के मानसिकता में आप हो। तो जैसे कविता कहते हैं कि आपको प्रोस्पेक्टिंग क्लोजिंग ये वो सारी चीजें सिखानी है। और उसी तरह से आईआईपी पैदा हुआ था, उन्होंने खुद किया, फिर बाद में हमारे साथ शेयर करा और फिर हम लोग को आगे लेकर गए। और ये सबके लिए वैलिड है। ये जो काम करते हो आप, ये नहीं है। पर जिस तरीके की ऊर्जा है सही है, हम लोग न्यूटन और आइंस्टीन के पास जाकर पूछेंगे कि ये ऊर्जा क्या है। कि जैसे बहुत ही खूबसूरती से सचिन भाई ने कहा था कि वो जो सोच है आपके दिमाग के अंदर, जो वो छोटी सी चिड़िया आपके दिमाग में बात करती रहती है जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा खत्म होती है, आप शायद एक दिन के लिए फिजिकल खेल खेलोगे, क्रिकेट फुटबॉल या बास्केटबॉल, पर आप एक दिन अपने ऑफिस में अपनी नौकरी में बैठोगे आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट आ जाओगे। ये हो सकता है क्योंकि ये कैसा कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा खत्म हो गई है। क्रिकेट खेलते वक्त आप बहुत ही ज्यादा उत्साही रहोगे। कुछ लोगों की वर्क एथिक्स बहुत अच्छी होती है, पर किस तरीके के ऊर्जा के साथ आप काम कर रहे हो, किस तरीके की मानसिकता से आप काम कर रहे हो। और जो लोगों ने 5 साल के ऊपर वक्त बिताया है, और ये घातक हो सकता है अगर आप अपना
अगर अपना कप खाली नहीं करते हो रोजाना, आप बहुत ज्यादा जल्दी आप मर जाओगे अगर आप इस चीज को नहीं करोगे। तो आप ये सारी चीजें मतलब सक्सेस, फेलियर, कैरियर, पैसा, बुरा वक्त, ये सारी चीजों का ओझा आप लेकर, ये सारी चीजों का बोझ लेकर आप चलते रहोगे हमेशा। और उस तरीके की तीव्रता से अगर आप काम करते हो तो आपको नतीजे नहीं मिलते, सही तरीके से नतीजे नहीं मिलते। आप एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, क्या मैं मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? तो मैंने एक सेशन देखा था टोनी रॉबिन्स का, जिससे मुझे बहुत प्रभावित हुआ था। जो कुछ भी मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सारी चीजें कॉपी की गई है, मैंने अपने अपलाइन से सीखी है। जब भी आप सफलता देखते हो तो उसे सिर्फ कॉपी कर लो। तो ये सारी चीजें मेरे अपलाइन से है। तो आप अपने इनसे देख के सीख सकते हो क्या है जिससे लोग बहुत बड़ा कदम उठाते हैं सफलता के लिए। आपको पता है कि अगर आप ये करोगे तो फिर बदनी उसके नतीजे अच्छे ही निकलेंगे, तो आप बहुत बड़ा कार्य करोगे। तो आपको नतीजे नहीं मिले मतलब उसके लिए आपने कुछ काम नहीं किया। तीसरे लोग वो है जिनको यकीन नहीं है, यकीन नहीं होता। तो ये तीसरे वर्ग के लोग है। तो ये तीन क्वाड्रेंट्स है, पोटेंशियल, एक्शन नतीजे और विश्वास। क्षमता तो लिमिटलेस होती है, आपकी खुद की क्षमता। आपकी क्षमता असीम हो सकती है, पर अगर आप उतना ज्यादा विश्वास नहीं रखते हो क्षमता में, आप कम कार्य करते हो और उसकी वजह से आपके विश्वास से आपको लगता है कि नतीजे नहीं आएंगे, और फिर बाद में आपका पतन होने लगता है। आपकी क्षमता कम होगी तो फिर बाद में और कम कार्य करोगे और नतीजे नहीं मिलेंगे, और आपका विश्वास और कम होती जाएगा। और बहुत सारे लोग इन सारी चीजों में अटक जाते हैं। पर ऐसा क्या अलग है उन लोगों में जिनको बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होती है, या तो अच्छे नतीजे निकलते हैं उनको, उनको विश्वास है क्षमता के ऊपर। वो लोग बहुत ज्यादा कार्य करते काम करते हैं और अपने नतीजों के ऊपर विश्वास है, और इसकी वजह से उनकी अच्छे नतीजे मिलते, और अच्छे नतीजों के साथ उनका विश्वास अच्छा बनते जाता है। और अपने कप को खाली करने के लिए किसी भी वक्त पर ये जो आपका पतन है ये रुक सकता है। और ये बहुत सारे लोग इसमें अटके पड़े हैं, उनको पता है क्षमता कैसे करके, पर तो उस तरीके की कार्रवाई नहीं करते वो। और वो सवाल ऐसे पूछते कि वो क्या है, वो जैसा वो टीम कर रही है तो वो इंसान कर रही है जिसकी वजह से उनको सफलता प्राप्त हो रही है, कुछ अलग नहीं कर रहे वो लोग। एक उदाहरण देना चाहता हूं इसके ऊपर। रॉजर ब्रैनसन तो इसे 4 मिनट माइल बुलाते थे। डॉक्टर और साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करा था। कि इंसान में उतनी ताकत नहीं है
कि वो एक मील को 4 मिनट के अंदर भाग सके, ये बहुत बहुत ज्यादा अनुसंधान करने के बाद ये सारी चीजें हुई थी। और वो सबसे पहले इंसान थे जो 1 मील 4 मिनट के पहले अंदर भागे थे, जो ऐसा नहीं था कि भी वो सबसे पहले थे, पर वो कुछ तो था दिमाग में जो उन्होंने बदलाव किया था। और ये वाकई में अंत में ये हुआ। अभी इसमें सबसे बढ़िया क्या हुआ था, और ये बहुत सेंचुरी से चल रहा था, और एक आता है रॉजर बैनिस्टर, वो 1 मील 4 मिनट के अंदर भागे, और 2 साल के अंदर 40 लोगों ने ये भागा, ये 4 मील के अंदर, 1 मिनट के अंदर भाग। और इसमें 75 लोग भागे हैं, हाई स्कूल के बच्चे भी थे उसमें। हुआ क्या था कि मतलब विश्वास बहुत एक अलग स्तर पर चला गया था कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और उसी की वजह से वो क्षमता जो है वो सभी लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई बहुत ज्यादा की और नतीजे मिले उनको। और आपको इस सफर में ऐसे बहुत सारे चीजें हो सकते हैं, तो फिर बाद में अपने नतीजे आपको अच्छे मिले, और बहुत बार आपकी आपका विश्वास कहीं पर तो खो जाता है, तो कैसे मैं इसको जनरेट करूं दोबारा, इस विश्वास को। इसका उत्पन्न मैं कैसे कर सकता हूं, तो इस विश्वास को मैं आगे कैसे बढ़ा सकता हूं। और यहां पर उन्होंने एक मंत्रा दिया था, तो उन्होंने कहा था कि नतीजों को अपने दिमाग में बना लीजिए। एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक अनुसंधान किया था, 3 अलग अलग वर्ग के बास्केटबॉल प्लेयर्स प्रोफेशनल जो खेलते थे, पहले वर्ग को कहा गया था जहां पर लोगों को वो पेनल्टी शॉट लेना था, जो प्रोफेशनल थे उन्होंने सालों से इस प्रैक्टिस किया था, और उनको देखना था कि ये उसके बावजूद भी वो लोग मिस कर देते, इसका अभ्यास किया था। तो उन्होंने कहा कि अगले 6 हफ्ते तक आपको 500 शॉट्स लेने हैं और वो बास्केट में डालना है। दूसरे बार को तो उन दूसरे बार को उन्होंने कहा कि कुछ मत करिए, रिलैक्स करिए। तीसरे बार को उन्होंने कहा अपने दिमाग में बैठकर ये चीज को अभ्यास करते रहिए, अपने दिमाग में कीजिए, फिजिकली मत करिए इसको। और 6 हफ्ते के बाद उन्होंने जाकर वापस दोबारा नतीजे देखे। क्या लगता है आपको, किसने ज्यादा किया था? जिन लोगों ने अभ्यास नहीं किया था पहले वर्ग और तीसरे वर्ग के बीच में, पहले तीसरे वर्ग के लोगों को ज्यादा अच्छे नतीजे मिले थे। उनको फिजिकली प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करना था, बट लेकिन अपने दिमाग में वो चीज को वो अभ्यास कर रहे थे। और यही हमारे अपलाइंस हमें कहते हैं कि अपना अपनी सफलता को विजुअलाइज कीजिए, आपको कहां पहुंचना है उसे विजुअलाइज कीजिए। ये आपके रोजाना दिनचर्या का एक भाग होना चाहिए। कुछ लोग मुझे पता है कि 1 घंटे के लिए करते रहते हैं, अपने अफर्मेशंस लिखते रहिए, इसकी कल्पना करते रहिए, और नतीजे अपने दिमाग में सोचते रहिए। और एक एक स्टडी की थी कुछ लोगों का जो सफल थे,
जब वो कोई भी नहीं थी तभी भी उन्होंने सोचा था, उन्होंने कल्पना की थी कि वो ये करेंगे, जर्मन गाड़ी कराई देंगे, वो बंगलों में कि ये जिएंगे ऐसे जिएंगे वैसे, ये सारी चीजें उन्होंने कल्पना की थी अपने दिमाग। मैं कुछ रैंडम चीजों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, ये देखी दिखाई गई चीजें हैं। दो वर्ग के लोग थे, पहले ग्रुप को कहा गया था कि एक महीने के लिए पियानो बजाना है 2 घंटे के लिए, और दूसरे लोग ग्रुप को कहा गया था कि आपको इमेजिन करना है कि आप पियानो बजा रहे हो, और उन्होंने स्टडी की थी, कोई फर्क नहीं था दोनों के ब्रेन पैटर्न्स में। हमारे दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप फिजिकली कुछ कर रहे हो या तो आप सोच रहे हो, ये जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है वो तो अंत में होता ही है। तो अगर आप कहीं पर भी अटके भी हो, अगर आप कहीं अटके हो और आपको नतीजे नहीं मिल रहे हो, तो आपको आपकी आपका विश्वास कम हो जाएगा, आपको क्षमता नहीं है, आप कार्रवाई नहीं करोगे, तो ये आपका डाउनवर्ड स्पाइरल है, मतलब इसका ये आपका पतन हो रहा है यहाँ पर। तो पहली चीज तो नतीजों को अपने दिमाग में कीजिए, सोचिए। तो पहले तो जाकर जादू को जाकर उसका अभ्यास कीजिए। तो कोई मतलब नहीं बनेगा। कहीं पर तो मैं पढ़ रहा था, श्री कृष्णा ने उन्होंने अर्जुन को क्यों दिया और दुर्योधन को क्यों नहीं दिया, तो महाभारत होता ही नहीं था, क्योंकि दुर्योधन उस स्टेट मानसिकता में ही नहीं था लेने के लिए कुछ भी। तो आप उस मानसिकता में हो सीखने में कि आप उस समाधान के बारे में जज कर रहे हो और अपने अपलाइन को जज कर रहे हो, आप कहोगे कि अरे ये तो समझ में नहीं आता इनको। तकलीफ ये है कि आप चाहते हो कि लोग आपको समझे, आप दूसरों को समझे बगैर। आप विष्णु अवतार हो क्या कि आपको हम समझे? पहले आपको समझने की कोशिश करिए कि क्या समझना है करके। तो मुद्दा ये है कि अगर आपको लगता है कि आप अटक गए हो, तो अपने दिमाग में नतीजों को बना लीजिए। नतीजे ऐसे नहीं होता कि फिर बाद में वो खूबसूरत लड़की या लड़का फिर बाद में साइन अप होगा या तो वो सीईओ साइन अप होगा। तो नतीजे ऐसे, इस नतीजों का मतलब ये नहीं है, मतलब अपने आप के लिए, अपने जिंदगी के लिए जर्मन गाड़ियां, विला, अपने बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, ये सारी चीजें अपने दिमाग में कीजिए और इसका अभ्यास कीजिए। ये इसका अभ्यास रोजाना एक आधे घंटे के लिए रिलीजियसली ये चीजें करते रहिए, अगले एक महीने के लिए जो कुछ भी है ये करते रहिए, और इसके साथ काम भी कीजिए, उस ऊर्जा के साथ काम कीजिए। भाड़ में जाए जो इसके अभी तक जो हुआ है, अभी जो मैं कर रहा हूं और अभी से लेके जो मैं करने वाला हूं, इससे फर्क पड़ेगा कि मेरी जिंदगी में क्या अंतर। भविष्य भूतकाल में ही जी रहे लोग हैं कि ये हुआ वो हुआ, ये इससे ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो आप अपने भूतकाल में रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक छात्र बनिए और सीखते रहिए और अभी से करते रहिए, अभी से करने के लिए शुरुआत कीजिए। जैसे सचिन भाई कहते हैं कि एक एक निर्णय लीजिए, अगर एक निर्णय अगर आपको लेना है तो कि अभी से लेके अगले 100 दिनों तक छोड़ दीजिए कि आधे घंटे के लिए, तो
इंडिया में वो एक बहुत गर्व की बात होती है कि हम लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो मर जाइए। तो अगर आप इतने व्यस्त हो तो किसी भी तरीके का बदलाव के लिए उसको वक्त देना जरूरी है, तो शुरुआत कीजिए। ये नतीजे आपको अपने दिमाग में सोचने शुरुआत कीजिए, कल्पना कीजिए उसके बारे में, तभी जाकर आप उसकी विश्वास करोगे उस क्षमता के ऊपर। मेरे पास गधे आकर बोलते रहते हैं, मुझे लगता है कि इस बिजनेस में क्षमता इतनी सी है, तो मुझे लगता है कि सर फोड़ो क्या, कि आपने देखा नहीं है कि सचिन भाई और कविता ने क्या हासिल किया है। तो मेरे लिए वो क्षमता है दोस्त, 100 करोड़ के घर दोस्त, मतलब अगर आपको पता है कि कितने शून्य है उसमें, ये भी नहीं पता है आपको। क्योंकि आप एक मूर्ख हो। एक बहुत सारे शब्द आए थे अभी जो आप सोच लो, आपको जो सोचना है मैं जो नहीं कहूंगा, क्षमता। तो तभी जाकर आप कार्रवाई करोगे क्या बड़े, और उसी तरह से और ज्यादा रिन्यूड एनर्जी के साथ आप काम करोगे, उसी से आपको नतीजे मिलेंगे। तो आपको चेक करना है कि आप कहां पर हो, कितने लोग आपके टीम में चेक्स बना रहे हैं, कि किस तरीके की मानसिकता में आप हो, किस तरीके का विश्वास है आपके पास। और सबसे बढ़िया तरीका है जहां पर वो नतीजे मिले, सबसे बढ़िया तरीका जो टोनी ने कहा, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है बट उसको वो करवाना ही है, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है, मुझे वो लाइफस्टाइल की जरूरत है, मुझे वो जरूरत है, मुझे वो चाहिए, ये सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। कि ये ऐसा कोई तरीका नहीं है जिस तरीके के मैं ऐसी जिंदगी जीऊँ जो साधारण सी जिंदगी जीऊँ, बस काम पे जाओ और घर पे जाओ, बस या तो मैं मर जाऊं, मुझे ये करवाना ही है, मुझे ये अपने आप के लिए करवाना ही है, इसे किसी भी तरीके से ये बहुत बढ़िया सी जिंदगी करवानी है, इसमें और कोई दो राय नहीं है। और जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, इस सफर में काम कर रहा हूं, तो वो लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी सी कर रहे हैं, वो लोग एनर्जाइज कर रहे हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, तो वो ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं है। एक अच्छी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत पहले से पुरानी सिस्टम्स में जो अटेंड करते थे, तो मुझे व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी दोबारा। जंगल के बीच में एक नदी बह रही थी, ये आपकी जिन लोगों को भी यहां पर नदी दिख रही है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं दिखता है उनको वो अभ्यास करने की जरूरत है। बहुत आक्रामक रूप में नदी बह रही थी, कुछ काले बादल वगैरह छा गए थे और ऐसे लग रहा था कि कोई एक तूफान आने वाला है। और एक गर्भवती हिरण कहीं पर है, और यहां पर पूरा जंगल है, और ये पूरा घना सा जंगल है यहां पर, और यहां पर एक शिकारी है बंदूक लेकर, बस उसे मारने ही वाला था, और यहां पर एक शेर है, तो एक बाजू में शेर, एक तरफ शेर है और एक तरफ शिकारी है, और बस अभी बिजली वगैरह कड़क रही है, तो कल्पना कीजिए कि यहां पर आग लगने वाली है, यहाँ पर एक शिकारी है जो बंदूक चलाने वाला है, और यहाँ पर एक शेर है और एक गर्भवती हिरण है,
जो बच्चे को जन्म देने वाली है। तो उस हिरण ने क्या करा, तो उन्होंने सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जो वो कर सकते हैं, बच्चा पैदा करना। एक बिजली कड़की और वो शिकारी डिस्ट्रैक्ट हुआ और वो हिरन को चूक के वो शेर को उन्होंने मार दिया। तो शेर हो तो बारिश की वजह से फिर बाद में वो आग जो लगी थी वो बुझ गई। बच्चा पैदा हो गया और वो बिजली की वजह से फिर वो जो बिजली कड़की थी उसमें वो शिकारी का भी अंत हो गया। सब सारी चीजें अपने आप हो गई। तो बहुत साधारण सी बात है कि सरल सी बात है कि अपनी हमें फोकस इसके ऊपर करना है जो हमारे नियंत्रण में है, पर लोगों को सब सब सारी चीजों के ऊपर, इतनी सारी चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है जिसके ऊपर जिसके बारे में हमें पता भी नहीं करना चाहिए, इसकी जरूरत भी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है तो एक घंटे के लिए लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि तालिबान क्या करने वाला है करके, तो वो उनको जो करना है उनको करने दीजिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। कुछ लोग कुछ लोगों को लत लगती है न्यूज देखने में या तो न्यूज अखबार पढ़ने में, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मुझे पता है कुछ लोगों को बुरा लगेगा। सचिन भाई ने कहा था कि 5 साल के लिए न्यूज मत देखिए, अखबार मत पढ़िए, बस काम करने में व्यस्त रहिए, या तो उसके ऊपर जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने से अच्छा तो काम करने में व्यस्त रहिए। लॉकडाउन क्या होगा ये सारी चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, तो वक्त मत बर्बाद कीजिए ये सारी चीजों को सोचने में। ये दिमाग बहुत ही ज्यादा एक शक्तिशाली एक एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हथियार है। तो वक्त बर्बाद मत कीजिए ये सारी चीजों को सोचने के लिए जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। बहुत बारिश हो रही है तो भीग जाओ, निकल जाओ। और वो सोचते रहते हैं उन सारी चीजों के बारे में जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उनको तकलीफ होती है ये सारी चीजें। सिस्टम 5 मिनट देरी से शुरुआत हुई तो क्यों, मुझे अनुशासन। ये सारी चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है तो ये सारी चीजों के बारे में सोचना बंद कीजिए कि 5 मिनट देरी से हुआ, ये हुआ, वो क्या भाषा वापर रहे हैं स्पीकर, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। आपको जो लेना है वो ले लीजिए। आप एक गुलाब के भी कांटे होते हैं उसे भूल जाइए, गुलाब के ऊपर ध्यान फेंदर। क्या आप ये कहोगे कि कांटे कितनी खूबसूरत है, उसी के उन्हीं सब चीजों के ऊपर फोकस कीजिए जो आपके नियंत्रण में है, बाकी चीजों को भूल जाइए। नियंत्रण में क्या है, मेरे काम, मेरे टीम के काम, उसको ड्राइव करना। अभी नतीजे आपके नियंत्रण में नहीं है, नतीजे आपके नियंत्रण में बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकते, ये आपका अहंकार है अगर आप ऐसे सोच रहे हो। सिर्फ मेहनत करना आपके हाथ में है। प्रयास करना आपके हाथ में है। हर जगह पर एक ही चीज कहा जाता है कि प्रयास करना आपके आपके हाथ में है, नतीजे देना उसके हाथ में है। सोचिए कि आपके पास एक आपको बगीचा बनाना है आपके घर के पिछवाड़े में, उसमें पूरे फूल वहां पर आप प्लास्टिक फूल लगाकर आप खुश हो सकते हो।
बगीचे में अगर आपको फूल चाहिए तो फिर बात नहीं, आपको हर उस चीज के ऊपर ध्यान रखना होगा, खत है, पानी है, सनलाइट है, कोई कीड़े है, ये सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, तभी जाकर आपको नतीजे मिलेंगे जो फूल है। दो दिन के लिए आप काम करोगे और फिर बाद में तीसरे दिन आप कहोगे कि मुझे गुलाब नहीं दिख रहा, आपको काम करते रहना है। और इसीलिए आपको उस प्रोसेस के साथ, उस प्रक्रिया के साथ ही आपको काम करना है, आपको उसके साथ प्यार करना जरूरी है और तभी वो चीजें होगी। आर्थिक आजादी मिलने के लिए आपको क्या करना है, उस चीज से आपको प्यार करना है और आपको, और पहले कभी चीज, बहुत पहले कभी चीफ ने कहा था, आपको बिजनेस के किसी एक पहलू से प्यार करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को इन सर्विस, पैसा, धन, एसोसिएशन, मुझे अच्छा लगता है इन लोगों के साथ वक्त बिताने के लिए, क्योंकि एक बार आप प्यार में गिर जाते हो तभी आपको मेहनत नहीं लगेगी। कुछ लोगों को बगीचे में काम करना ऐसे लगेगा कि कचरा काम है, मतलब मिट्टी ये वो सब, कुछ लोगों के लिए गंदा काम है, देखो माली क्या कर रहा है करके, अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। एक बार अगर आप प्यार में गिर जाओगे उस प्रक्रिया के, उस बिजनेस के, आपको वो प्रयास नहीं लगेगा, मजा आएगा उसमें। मैंने खुद की भाभी को देखा है, वो हमेशा कहती थी, हमारा एक तो मैं हमेशा करता था, तो ये कुछ चीजें मैं कभी नहीं करता। एक दिन जब भी तुम्हें, तुम्हारा बच्चा होगा तो ये सारी चीजें तुम जरूर करोगी। आज माता पिता दोनों करते हैं, कुछ लोग कभी भी किसी के लिए नहीं कर सकते। पर जब भी वो अपने बच्चे के प्यार में गिरेंगे तभी वो सारी चीजें वो करेंगे। अपने सपनों से प्यार कीजिए। कुछ लोग हैं जिनको वो बस हार मान जाते हैं अपने सपनों के ऊपर। क्या एक माँ कभी कह सकती है कि ये बच्चा हमेशा हकते रहता है पूरे वक्त, पर वो उस बच्चे से बस प्यार करती है? तो सबसे पहले आपको यही करना है कि अपने सपनों से प्यार करना है आपको, और फिर आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि सारी चीजें प्रयास करनी पड़ती है। कुछ चीज कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ओ मैंने इतना सारा चीज किया, पहले सबसे पहली बार जब ये आप प्यार हुआ था तभी उसके बारे में सोचिए। शहर के एक एक जगह से दूसरे जगह पर आप, तो आप ये नहीं कहते थे कि मैं नौकरी से आया था मुझे क्या मिलेगा, पर आप प्यार में थे तो आप वो सारी चीजें कर चुके थे। बिजनेस के किसी भी पहलू से प्यार कर कीजिए और उसी से ये सफर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अपने आप से पूछिए अभी इसी वक्त, क्या है ऐसा वो बिजनेस के उस पहलू से जो जिसका आपको प्यार करता है। अगर आप इस बिजनेस के पहले, मेरे बॉस ने कभी सपनों के बारे में नहीं बात किया था, जो कुछ भी मतलब सैलरी के बारे में जो कुछ भी डिस्कशन होते थे वो अवॉइड करते थे, वो टालते थे ये सारी चीजों को। और जब भी तो मैंने शुरुआत की थी तभी वीसी गौतम मेरे वर्किंग अपलाइन थे,
वो हमेशा एक सवाल पूछते थे कि कितना पैसा तुम्हें कमाना है इस हफ्ते। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव था और मैं ये चीज से प्यार में गिर गया था कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, जो मुझसे बेहतर काम कर रहा है, तो मेरे सपनों के बारे में, मेरे लक्ष्य के बारे में जो सोच रहे हैं। और कसम से मतलब वो मेरे से, मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत करते थे ये देखने के लिए कि मुझे ये हासिल होगा और मैं करूंगा। और मैं इस सलकनपन से मुझे प्यार हो गया था कि ये मेरी जिम्मेदारी है, पर ये मुझसे ज्यादा, बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। और हमेशा ये आज तक मेरे अपलाइंस मेरे सपनों के लिए बहुत ये उनकी जिम्मेदारी मानते हैं। और ये ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपको और कहां पर मिलेगा? कुछ लोग मैकेनिक्स में वगैरह अटके पड़े हैं, पर वो सारी चीजें हो सकती है। आप प्यार कर रहे हो क्या अपने बिजनेस से? मुझे अपने सपने बहुत पसंद है और यही वो बिजनेस है जहां से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। मुझे मेरे अपलाइंस बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्यार है इस संकल्पना से, इस सोच से कि इतने सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। मुझे अपनी टीम से प्यार है, मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूँ उनसे। तो क्या आप प्यार करते हो क्या? कि अगर आप प्यार करते हो तो फिर बाद में आकर प्रयास के बारे में बात मत कीजिए, मेहनत के बारे में बात मत कीजिए। प्रयास से प्यार कीजिए और उसी आखिर में आपको नतीजे मिलेंगे। तो बस बंद करिए सोचना नतीजों के बारे में। प्रयास करना आपके हाथ में है, नतीजे देना उसके हाथ में। तो पिछले 6 महीने से मैंने कमाया नहीं था, तो ये आप नतीजों के बारे में बात कर रहे हो। अब ये सोचिए कि क्या काम आपने किया था, क्या प्रयास किए, कितने प्लान्स आपने दिखाए थे, कितने लोगों के साथ आप साथ में काम कर रहे हो, कितने लोगों का क्या कॉलिंग एक्टिविटी आप ले रहे हो, कितने लोगों को आप सिस्टम या एसोसिएशन में लेके आ रहे हो, कितने मार्केट्स में आप ट्रैवल कर रहे हो, क्या आप फिजिकल एसोसिएशन में हो। कुछ लोग हैं जिनको अपने घर से बाहर निकलकर फिजिकल एसोसिएशन में जाना चाहते ही नहीं है। उनको लगता है कि ये महामारी हमेशा तक चलनी चाहिए, कि मैं घर पे बैठूं और बस मजे ले लूं। मैं आरोप नहीं लगाता हूं उन लोगों को जो इस महामारी के वक्त बिजनेस में पैदा हुए थे और हम लोग उस वक्त फिजिकल एसोसिएशन में कितने मजे लेते थे और हम लोग कितना ट्रैवल करते थे, कितनी दूर दूर तक ट्रैवल करते थे। भगवान रिफंड डाल देगा अगर तुम सारी चीजों के लिए। मैं अपनी तशरीफ उठाकर कहीं जा नहीं सकता एसोसिएशन के लिए, फिजिकल एसोसिएशन के लिए। तो बस आसानी से किसी के बारे में सोचकर, सुनकर जो आप चाहते हो वो करने, वो मत कीजिए। पर जो करना है उसको करना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी सिस्टम में बात किया जाता है अपने अपलाइन से बात कीजिए। मुझे लगता है कि जितना ज्यादा हम लोग फिजिकल एसोसिएशन में मिलते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अपलाइन को भी ऊर्जा मिलती है इसमें, ये मत सोचिए कि सिर्फ डाउनलाइन को मिलती है, ये अपलाइंस के लिए भी है। अगर मुझे पूछे ये बहुत ज्यादा वक्त अपलाइंस के लिए होता है जो लोग अटके पड़े हैं। हम लोग ने अलग अलग देशों में हम लोग गए हैं अपने अपलाइंस के साथ एसोसिएशन में रहने के लिए।
क्योंकि हमें बस होना होता है उस एसोसिएशन में, और हमें पता लग समाधान वहीं पर मिलेगा। और कुछ लोग आते हैं एसोसिएशन में बस बैठ के सिर्फ देखते रहते हैं, बनिया या तो मारवाड़ी से, कि आज मुझे क्या मिला, आज मैंने 57 रुपए खर्च किए ओला ये तो उबर पुल में या तो रिक्शा के लिए, और मेरे अपलाइन ने कहा कि ये कमाने के लिए मिला। पागलपन नहीं है सब, एक बनिए की तरह बैठकर वहां पर कैलकुलेट मत कीजिए। सारी चीजों को अंत के नतीजे तक नहीं आप लोग अनुवाद कर सकते। मैं एक इंसान की बतौर बना हूं क्योंकि मैं अपने अपलायंस के साथ एसोसिएशन में रहता, जो कुछ भी अच्छा है वो उनके वजह से है और जो भी बुरा है वो मेरे मूर्खता की वजह से है, ये सब उनकी वजह से है, जो भी अच्छाई है। और ये भगवान की भगवान का आशीर्वाद है कि वो आए मेरे जिंदगी में और सब चीजें बदल दी। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये 9 साल उनके साथ रिश्ते हमेशा अच्छे थे, ऐसा नहीं था। उतार चढ़ाव तो होता ही रहता था, बहुत सारे झगड़े होते थे, विचार विमर्श होते रहते थे, मैंने कभी उनको कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं किया, अपमान नहीं किया, अनादर नहीं किया। क्योंकि इनके साथ अगर मैं सिस्टम एसोसिएशन में हूं तो मैं जरूर जिंदगी में अच्छा करूंगा, क्योंकि वो मेरे सपोर्ट सिस्टम है। क्योंकि ये मंत्र है, एसोसिएशन आपको कर्म कराएगा, आपके वर्क एथिक्स अच्छा बना के रखेगा। तो जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है ये सारी चीजें ध्यान में रखेगा, एसोसिएशन ही आपको आगे लेके जा सकता है। तो ये सारे नतीजे अपने दिमाग में लेकर आइए और इसको एक रोजाना काम की तरह करते रहिए, और कभी मत, ये रोजाना करना जरूरी है कि रस्म रिवाज सबसे बढ़िया वक्त वो होता है 1 घंटा सोने से पहले और 1 घंटा उठने के बाद, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग सबकॉन्शियस में चले जाता है। तो सबसे बढ़िया वक्त होता है। तो जो लोग बहुत ही ज्यादा सफल है वो लोग ये करते रहते हैं अच्छे नतीजों को प्राप्त करने के लिए, कि आपको करना ही है, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। मैं इंस्टा में ज्यादा पोस्ट नहीं करता, फॉलो नहीं करता, वो करोड़ों की जो बंगले वगैरह दिखा, तो वो जो अमीर लोगों की जो लाइफस्टाइल्स है वो मैं फॉलो करते रहता हूँ, वो अच्छा लगता है उनको देखकर, जिनको भी वो मेरे चित्रकारी में हिरन या तो शेर नहीं दिखा उनको ये देखना जरूरी है। तो आपको अगर आपको अपवर्ड नतीजे मिल रहे हैं या तो डाउनवर्ड रिजल्ट मिल रहे हैं, ये आपको देखना जरूरी है कि ये 100 दिनों तक आपको ये रस्म रिवाज पालनी ही है। 15 मिनट तो करनी ही है, मतलब 15 मिनट से तो कम मत करना। तो मेरे पास तो 15 मिनट भी नहीं होते, तो मैं आपके लिए फिर बाद में प्रार्थना करूंगा आपके लिए। अपना एसोसिएशन चेक कीजिए, अपना अलाइनमेंट चेक कीजिए, कृतज्ञ रहिए। तो कुछ लोग कहेंगे कि आज मैंने कृतज्ञता का अभ्यास किया, आज मैं नीचे गया, कोई मैंने आके कोई घर से बाहर निकल कर कोई गाड़ी करी कट करता है तो फिर हम लोग गाली देते हैं। तो पहली बार जब भी मैंने अपनी अपलाइंस वीसी गौतम और राकेश भाई को लेकर गया था, तो जब कभी भी वो ट्रक
पहले लेन पर निकलता नहीं था तो उसको मैं ओवरटेक करके तो मैं उसकी माँ बहन कर देता था वहां पर हर एक बार। और गौतम और राकेश बस हंस रहे थे और मैं कह रहा था कि वो उसको समझना चाहिए उसको कि... तो आज अलग बात है कि मैं कहता हूं कि चला ले यार कोई बात नहीं। तो आपको कृतज्ञ होना चाहिए। लोग तो करते रहेंगे मतलब आपको सिर्फ लंबी गहरी सांस लेकर इसी के ऊपर फोकस करना है कि आपको करना क्या है। फोकस उसके ऊपर कीजिए कि आज क्या कर सकते हो। बुधवार को पूर्णिमा है या तो अमावस्या है उस दिन बैठकर मैं ये करूंगा या वो करूंगा पागलपन है। अभी वर्तमान में फोकस कीजिए। आज कितने प्लान्स दिखा सकते हो आप, कितने लोगों को कॉल कर सकते हो, कितने लोगों को आप जाकर मिल सकते हो, आज आप क्या कर सकते हो। अगर आपका एजेंडा यही था कि मैं सिस्टम मेंटेन करके फिर बाद में खाना खा के सो जाऊंगा तो फिर बाद में कोई एक्टिविटी नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग शेयरिंग करते हैं तो शेयर कीजिए कि आज आप क्या करोगे करके, तो उसको एक चर्चा कर दें। आज कितना आज क्या करने वाले हो, इस हफ्ते कितना कमाने वाले हो। कुछ लोगों को लगता है कि वो सही जोन में है, कुछ लोग सिर्फ 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद की चीजों के बारे में ही बात करते हैं। चर्चा आज के ऊपर है, आज क्या करोगे। फोकस शॉर्ट टर्म के ऊपर है, फोकस अगले सपने के ऊपर, अगले लक्ष्य के ऊपर है। तो अब फोकस कीजिए कि आज आप क्या शेयर करोगे। पता है कि कुछ लोग शायद शेयरिंग नहीं करेंगे करके, तो शेयर कीजिए कि आज आप क्या करने वाले हो, आज इस हफ्ते कितने प्लान्स दिखाने वाले हो, कितनी इनवाइट्स दोगे, कितने इन्फो दोगे। बात करते हैं ये सारी चीजों के ऊपर, इस शॉर्ट टर्म के ऊपर बात करते हैं ताकि हमारा लॉन्ग टर्म बदल जाए। हम लोग अब भी क्या करने वाले हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं और इसी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सफल लोग चीजें अलग नहीं करते कुछ भी, वो लोग एक ही चीज को अलग तरीके से करते हैं और छोटी छोटी बदलाव को लेके आते हैं अपने तरीके में काम करने में। और ये चीज अगर आप लेकर आओगे तो फिर बाद में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा जिस तरीके से आप काम करते हो। और एक दिन जब ही आप मैक्स आउट हो जाओगे और ये सारी चीजें कैसी हुई, क्या हुआ, हमें भी नहीं पता कि कैसे हुआ। हम लोग बस छोटी छोटी चीजें करते रहिए, रोजाना रोजाना हम लोग करते रह गए रिलीजियसली और ये फिर बाद में ये काम कर गया, फिर बाद में ये हो गया। मुझे पता नहीं था जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने देखा नहीं था कि कैसे होगा करके। मैं करते गया फॉलो करते गया, जिसको जो वहां पर जो पहुंच चुके थे बस उसको फॉलो करते गए, जिस वो जो वहां पर है और हम लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं, अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, अभी के ऊपर फोकस करते हैं, वर्तमान के ऊपर फोकस करते हैं और नतीजे तो अपने आप निकलेंगे। ठीक है, तो सबसे आज का सबसे ज्यादा हम लोग फायदा करते हैं। अब सबसे ज्यादा एक अच्छा व्यस्त इतवार होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से बात करते हैं और मदद करते हैं सभी लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए और प्यार करते हैं, प्यार में गिरते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो शुक्रिया, अगर आप अभी तक प्यार में नहीं हो तो उम्मीद करता हूं कि मैंने थोड़ा तो फर्क लाया होगा। अगर आप यकीनन इम्प्लीमेंट करने लोगोगे तो कुछ ना कुछ तो बदलाव तो जरूर आते रहेंगे। बहुत ज्यादा प्यार, शुक्रिया, और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और प्यार काम करते हैं, शुक्रिया।